मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर भी अब सामने नजर आने लगा है। नर्मदापुरम में प्रशासन की टीम पर पथराव करने वाले रेत माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाया गया। पांजरा कला में दो दिन पूर्व अवैध रेत का परिवहन करने वाले लोगों ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया था। आज सुबह नर्मदापुरम SDM पुलिस बल के साथ मेहराघाट पहुंचे और दोनों आरोपियों के अवैध पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया। नर्मदापुरम के मेहराघाट में आज सुबह राजस्व की टीम JCB लेकर पहुंची, जहां मेहराघाट निवासी मयंक निमोद और सोनू निमोद का शासकीय जमीन पर बना पक्का निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। इन दोनों रेत माफियाओं ने दो दिन पूर्व नायब तहसीलदार कीर्ति प्रधान एवं खनिज टीम पर पथराव किया था। नायब तहसीलदार की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ देहात पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद आज SDM आशीष पांडे द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अवैध पक्के निर्माण को JCB से तोड़ा गया। इस संबंध में SDM ने बताया कि दो दिन पूर्व पांजरा कला में प्रशासन की टीम पहुंची थी, उसी टीम पर सोनू और मयंक ने पथराव किया था। थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आज शासकीय जमीन पर बने उनके पक्के निर्माण को JCB की मदद से तोड़ दिया गया। ये 14 तारीख को एक पांजरा कला में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के संदर्भ में एक घटना घटित हुई थी और उसके पश्चात जो FIR हुई और उसमें जो प्रमुख आरोपी थे उनके द्वारा शासकीय भूमि में अवैध निर्माण किया गया था, तो उसमें अवैध निर्माण को हटाया गया है। आरोपी सोनू और मयंक निमोदा मेहराघाट। अभी तो यह कार्यवाही आरोपी थे वो जो घटना कारित हुई है उसके, तो उसके तहत की गई है। आगे जैसे भी निर्देश रहेंगे कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।